आज के महानुभाव रत्नवती देवी हो तो का मंगल में चरित्र वह तो हर समय व्यक्ति को धन्य बनाने वाला है और इस वर्ष को एक उस महान संत के जीवन से जोड़ा गया है जिनकी रचना आज की व्यक्त को समाज को धन्य बना रही और वे हैं वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज 1554 में उनका जन्म हुआ प्राकट्य हुआ इसलिए इस वर्ष जो है विक्रमी संवत के अनुकूल पूरे वर्ष तक पंच सदी के उत्सव को मनाने की योजना है। तो आज और पिछले दिनों जो प्रसंग आपके सामने चलता रहा है वह गोस्वामी जी के जीवन के जो अनुभव थे एक व्यक्ति कुछ पढ़ करके लिख देता है सुन करके लिख देता है पर वस्तुतः जिसने जीवन में अनुभव करके लिखा उसकी वाणी में जो प्रभाव हो सकता है वो केवल विद्वत्ता या केवल ग्रंथों के अध्ययन मात्र से संभव है। गोस्वामी जी का जो जीवन है वो सचमुच विरोधाभास की पराकाष्ठा है। बाल्यावस्था में जिस बालक को अत्यंत अभागा माना जाता था पर दृष्टि से जिसको अपमानित किया जाता था और वही बाद में उत्तराध में अपने जीवन में महान सिद्ध संत के रूप में पूजित हुआ लोगों ने सम्मान ही नहीं दिया। तो लोगों को ऐसा लगता था कि अगर गोस्वामी जी जैसे संत एक बार दृष्टि उठा करके देख ले या मुझे आशीर्वाद दे दें तो हमारे जीवन के संकट टल सकते हैं हमारा दुर्भाग्य टल सकता है। यह जो विचित्र विरोधाभास है और उसके अंतराल में गोस्वामी जी की जो अनुभूतियां हैं वो अनुभूतियां उनके जीवन से जुड़ी थी। माता पिता की मृत्यु हो गई पिता ने प्रारंभ में ही मृत्यु से पहले ही उनका त्याग कर दिया था और वो सभी जिस बात को भूल नहीं पाते कि माता पिता जब जाई तो जमोन लिखो पशुभाल भलाए ब्रह्मा ने भी मेरे मस्तक में भाग्य की रेखा नहीं उठी थी मैं अपने पिताजी को दोष क्यों दूं उनको यदि यह लगा कि यह अभागा है तो वो उनके दृष्टि में ठीक ही था। आप ये कहते हैं कि मेरी दशा जो थी माता पिता जब जाई तेजो विजयून लिखो पशु भाल भलाई और उसके पश्चात आप कहते हैं नीच निरादर आदर आदर का द्वारा कूक ने कूक लजाई जो टुकड़े टुकड़े के लिए लोगों के द्वार पर जाकर के अपमान सहता था लेकिन राम स्वभाव सुनो तुलसी प्रभु से करो बारिक भेंट कराई किंतु जब मुझे अपने गुरुदेव के द्वारा प्रभु के स्वभाव का पता लगा और संसार के लोगों को लोगों के द्वार पर जाकर के अपना पेट दिखाते ही हैं मैं भी प्रभु के द्वार पर जाकर के जब खड़ा हो गया अपने पेट को आप हमने यह बताया कि महाराज यह पेट ही तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है तो उन्होंने कहा कि प्रभु इतने उदार है विश्वारथ को परमारथ को
हमारे जीवन के स्वार्थ और परमार्थ दोनों को सिद्ध करके मुझे इस संदर्भ में कल जो प्रसंग चल रहा था वर्षा के कारण आपने से संभवतः थोड़े ही लोग उसे सुन पाए और अधिकांश लोग वंचित रहे, तो गोस्वामी जी के जीवन के जो एक आधार स्तंभ है जिनके द्वारा उनका जीवन परिवर्तित हुआ, जिसके द्वारा वो ऐसी दिव्य रचना के माध्यम बने जो रचना आज भी मनुष्य को प्रेरित करती है, ये वस्तुएं, ये व्यक्ति, ये पदार्थ होने, और इस संदर्भ में सबसे पहले कल जिनकी व्याख्या की जा रही थी, जब गोस्वामी जी अनाथ बालक के रूप में चारों ओर भटक रहे थे तो संत नरहरि दास जो महान श्री राम भक्त थे, बड़े विद्वान थे, उनकी दृष्टि इस बालक पर पड़ गई और इस बालक को वे अपने आश्रम में ले आए। आपने उस बालक को बड़े प्यार से पुचकारा, स्नेह दिया और कहा कि बस पुत्र को कोई अपने आप में अनाथ प्रेता का बोध नहीं होना चाहिए, परम तो परम आश्रय देने वाले हैं और तुम्हारे लिए मैं यही कहूंगा कि तुम बस राम का नाम लिया। गोस्वामी जी इस बात को बार बार मेरे पत्रिका में, रामायण में, गीतावली में याद दिलाते और यही कहते हैं कि भले ही बाद में उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, वेदों के भी अध्ययन का, आगम शास्त्र के अध्ययन का मुझे अवसर मिला, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मेरे लिए जो सबसे बड़ी वस्तु सिद्ध हुई वो राम का नाम, और उसके लिए उन्होंने एक बड़ा सुंदर वाक्य लिखा, दो वाक्य लिखे। क्या एक तो उन्होंने लिखा कि जैसे कई मार्ग हो और व्यक्ति जाना चाहता हो आगे की ओर और वो निर्णय न कर पावे कि मैं किधर से जाऊं, और हर मार्ग पर कोई व्यक्ति खड़ा हो और वो कह रहा हो कि यही मार्ग ठीक है, तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि वस्तुतः इसमें कौन सा मार्ग हमारे लिए उचित हो। तो गोस्वामी जी ने यही संकेत किया कि हमारे अभिचार पुराण 18, स्मृतियां 18 और उपनिषद 10 ग्रंथों की, और वो तो अपने तो केवल एक सीमित संख्या है, अंतरिक्त ग्रंथ विद्यमान और उन्हें पढ़ करके व्यक्ति कभी कभी भ्रमित हो जाता है कि हम किसे माने, क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो वो कोई ऐसा नहीं है, वो स्वामी जी किसी का खंडन नहीं करते। वो स्वामी जी के शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो प्रकार के महापुरुष और संत हुए, एक वो व्यक्ति जिन्होंने निषेध का, खंडन का आश्रय किया और खंडन के द्वारा उन्होंने समाज को एक अपनी वाणी के द्वारा क्रोध करके, प्रहार करके और उनके उन्हें जो लगा कि यह तो सर्वथा अनुचित है उसका विरोध किया, खंडित। उनमें अग्रणीय हमारे हैं महान संत कवि, महान संत, बहुत दिव्य तत्व दृष्टा, लेकिन वो खंडन का तो ऐसा आपके ग्रंथों में, उनकी वाणी में वो इस प्रकार के व्यंग्यात्मक वाक्य लिखते हैं जिसको पढ़ करके व्यक्ति से मिला जाए। जितना उन्होंने समाज में देखा ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, उसको उन्होंने संतोष के बिना क्या खंडन करके तो कह दिया कि तुम्हारी बात सही नहीं है। से कहते हैं जब वो कहते हैं तो प्रजेतों से भी कहते हैं कि हमारी और तुम्हारी कोई तुलना नहीं हो सकती है, और क्यों नहीं हो सकती कि उन्होंने कह दिया, या उनका तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिर की लेखी,
तो पंडित हो करके अपने ग्रंथों के स्मरण करके श्लोक सुनाते हो और मैं वह कहता हूँ जो मैंने देखा, तो उनको स्पष्ट रूप से दावा करते हुए सब खंडन और सारी रूढ़ियों का सारी मान्यताओं का उन्होंने खंडन, उसका एक पक्ष है गुरुदेव जी की शैली जिसने गोस्वामी जी खंडन की पद्धति को अपने जीवन में उसको स्वीकार नहीं करते और वो बड़े स्वाभाविक जो उनके जो आराध्य श्री राम है उनका चरित्र क्या है और उनके चरित्र का जो पक्ष है वो तो ठीक मिलने अभी दूरदर्शन पर भोपाल में थोड़ी रामायण की कथा के संदर्भ से मुझे कुछ कहने के लिए कहा गया तो मुझसे निवेदन किया गया, मुझसे कहा गया कि राम की जो मर्यादा है उसके विषय में कुछ कहिए, तो मैंने प्रारंभ में स्पष्ट कह दिया कि श्री राम के साथ यह शब्द जुड़ा हुआ है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए कहा जाता है वे लीला पुरुषोत्तम है और श्री राम के लिए कहा जाता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम, पर मर्यादा शब्द का जो भाव लोगों के मन में है और मस्तिष्क में है वह सत्य श्री राम के विषय में नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम इस रूप में कहते हैं कि जो समाज की मान्यताएं हैं समाज को एक परंपराओं को स्वीकार करता है उसको श्री राम ने स्वीकार किया है इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मैंने उस समय कहा जो उस अर्थ में तो श्री राम ने समाज की किसी मर्यादा को स्वीकार ही नहीं, पर विलक्षणता यह है कि न स्वीकार करने पर भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम मान के पूज्य बने और उसका रहस्य यह था कि श्री राम मर्यादाओं का पालन नहीं करते, नई मर्यादाओं का निर्माण, पर नई मर्यादाओं के निर्माण करते समय वो पुरानी मर्यादाओं का खंडन कभी नहीं, वो उनके चरित्र का ऐसा अद्भुत पक्ष है। आप विचार करके देखिए जितनी सामाजिक धारणाएं थी श्री राम का चिंतन तो बिल्कुल अलग है और वो अपने चरित्र में जो जो वही करते भी है लेकिन करते हुए भी उनकी महिमा ही वो कभी भी खंडन या जैसे कहते हैं बलात् कोई वस्तु विचार लादने का प्रयास का श्री राम के चरित्र में श्री राम के जीवन में कही है। अब आप प्रारंभ से विचार करके प्राचीन काल में बहुत विवाद की परंपरा और वो सारे स्मृतियों में उसका समर्थन था उसका अनुमोदन था और तो स्वयं भगवान श्री राम के पिता दशरथ जो है वो बहुविवाह के प्रमाण वो बहुविवाह की मर्यादा समाज में प्रचलित थी और श्री राम ने तो बहुविवाह कौन कहे वो तो एक विवाह को छोड़ करके उन्होंने दूसरा विवाह किया है। तो अब उसका अर्थ है कि ये कहीं उन्होंने नहीं कहा कि बहुविवाह वही मत है, पहले चाहते तो कह सकते थे कि मुझे बनकर कष्ट भोगना पड़ा क्योंकि पिताजी ने बहुत विवाह न किया होगा न होता प्रमाण हो सकता था, पर श्री राम यही उनके चरित्र का विलक्षण पक्ष है कि प्राचीन मर्यादाओं को संस्कार की दृष्टि से नहीं उसे खंडन नहीं करते, प्राचीन मर्यादा के जो आचार्य हैं जो महापुरुष हैं उनको नमन करते हैं उनको सम्मान देते हैं और उस सम्मान के बाद जो स्वयं उनकी अपनी मर्यादा है वो ऐसे रूप में जीवन में प्रस्तुत करते हैं कि वो प्राचीन मर्यादा का पालक भी बड़े उदारता से बड़े स्नेह से उनके उस पक्ष को स्वीकार करते हैं। तो श्री राम के चरित्र में मर्यादा का ये जो पक्ष बड़ा दुखा है, अब वो आप सर्वत्र प्रारंभ से श्री राम के चरित्र पर दृष्टि दीजिए और इसीलिए श्री राम के अनगिनत गुणों में जो शील गुण है का वो सर्वाधिक उनके चरित्र में बार बार हो जाता है। इसलिए श्रीमद्भागवत और श्री रामचरित मानस के
तुलना के विषय में जो ग्रंथ लिखा गया, बड़ा ग्रंथ लिखा गया, तो मेरे सामने ये था कि इसका क्या लाभ है। ये कहे कि ये श्रीमद् भागवत और रामायण की तुलना है तो शायद अच्छा नहीं लिखा है। तो उस समय यही मैंने सोचा कि श्री राम के लिए एक शब्द चुने है और श्री कृष्ण के लिए एक शब्द चुने है और वही ग्रंथ का नाम दे दिया है। तो उस ग्रंथ का नामकरण करने में प्रमुख प्रेरणा यही हुई और वही शब्द उसमें लिखा गया। और मधुराधिपति की सारी लीलाओं में उनकी वंशी में मधुरता ही मधुरता भर गया और श्री राम के चरित्र में सभी गुण विद्यमान है पर मुख्य गुण है शील। तो शील गुण की विशेषता ही है कि अन्य गुण अगर व्यक्ति के अपने विशेषता से जुड़े हुए हैं पर शीलवान कैसे मानेगा। जिसको दूसरों की भावना, दूसरों के विचार, दूसरे आगे आचरण पर बहुत उदार दृष्टि से वो देखता हो और किसी को कष्ट न होने पावे मेरे शब्द के द्वारा, क्रिया के द्वारा, आचरण के द्वारा, जिसमें इस वृत्ति से यह आचरण जीवन में आता है उसी का नाम ऋषि। इसे श्री राम के लिए गोस्वामी जी ने बार बार एक बार दोहराई ये बात। गीतावली में भी वे कहते हैं तुलसीता प्रतिशील स्वभाव, कहते हैं हमारे श्री राम के शील और स्वभाव को जान करके सुन करके भी जिसके हृदय में भक्ति का उदय नहीं हुआ ना वो व्यक्ति तो उसका तो जीवन ही है। तो श्री राम का जो शील पक्ष है वो तो सर्वपुरी आप ये देखेंगे और उसको गोस्वामी जी समानांतर रामायण में चलाते भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। महाराज जगत ने प्रतिज्ञा किया है कि जो धनुष वो तोड़ेगा उसे मेरी कन्या का वर्ण करेगा। अब उस मर्यादा के संदर्भ से विचार करके देखें तो श्री राम का और सीता जी का जो वर्षा प्रसंग है उस मर्यादा से थोड़ा हट करके तो नहीं, क्योंकि जब यह निश्चय है कि धन टूटने के बाद ही अधिकार प्राप्त होगा तो धनुष यज्ञ के पहले ही गोस्वामी जी के पुष्पवाटिका प्रसंग का चित्र वर्णन करते हैं। तो उसमें उनकी विलक्षणता क्या है कि वहां पर मर्यादा से एक भिन्न रस सामने आता है, किंतु बस जो श्री राम के चरित्र की शैली है वही गोस्वामी जी की शैली। गोस्वामी जी इस समाज में चाहते हैं कि मर्यादा हो, पर मर्यादा का अभिप्राय समाज को शुष्क बना देना या लोगों के जीवन को जेलखाना या कारागार बना देना तो नहीं। और इस तरह से अगर बलात् किसी पर कोई बात लाद दी जाए तो वो बाहर से लादी जा सकती है, भीतर से तो उसे करेगा। किसी बात को आप बड़े बुद्धिमत्ता से कहिए तो व्यक्ति मान लेगा, आप उसको बड़े नियम में रखिए तो शायद वो क्रिया में भी थोड़ा सावधान दिखाई देगा पर हृदय में वो उसके द्वंद्व बना है। और हृदय का ये द्वंद्व जो है वो कभी कभी और सब बातें खूब पढ़ता है। सारे पुराणों में जो चरित्र आते हैं उनके पढ़ने से इसको आप दे पाएंगे। इसे देखिए दूसरा संकेत है वो चरित्रों में। अब महर्षि जन्मदग्नि अगर रेणुका अपनी पत्नी से इसलिए रुष्ट हो गए जो स्नान करने गई और स्नान करने गई तो वहां पर गंधर्व स्नान कर रहे थे, आपस में वो जल एक दूसरे के ऊपर उलझ रहे थे और उनकी पति और वो उस दृश्य को देखने लगे और थोड़े देर तक देखने लगे। जब वो जल लेकर के लौटी तो महर्षि जमदग्नि का क्रोध प्रकट हुआ। उन्होंने प्रश्न किया कि तुम्हें तो रेणुका स्वभाव से ही
सरल है और उन्होंने ये बताया, अत्यंत क्रोध है और उनको लगा कि यह तो मर्यादा के विरुद्ध आचरण है कि हमारी पत्नी इस तरह से पुरुषों की क्रीड़ा को देखे। तो किस सीमा तक मर्यादा के वो बालक थे कि उन्होंने यह निर्णय किया कि पत्नी को दंड और दंड भी का सिर काट लेने का निर्णय आज्ञा दिया। उन्होंने पुत्रों को इसका इसके चरित्र में मर्यादा के विरुद्ध आचरण है, इसका सिर काट कहा कि नहीं पिताजी, ये तो क्या ऐसी बात है, वो कोई दृश्य देख करके उनके मन में किसी वासना का कह सकते नहीं हुआ, ये तो बड़ा निर्णय आपका आदेश। और जब प्रत्येक पुत्र ने आदेश को स्वीकार कर दिया तो परशुराम जी महाराज उनके सबसे छोटे पुत्र है और उनको वो इतने कठोर आज्ञा और उनकी मर्यादाओं का इतना उनकी निर्णय जो थे उसे करो कि उन्होंने परशुराम जी से कहा कि तुम अपने माता का भी सिर काट लो और अपने भाइयों का भी जिन्होंने मेरी आज्ञा का पालन किया। पुत्र ने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया तो मर्यादा का उल्लंघन हो गया। पत्नी ने अगर एक क्षण के लिए भी सैंगारिक दृष्टि देख लिया तो वो मर्यादा के प्रतिकूल हो गए। परशुराम जी महाराज जिससे बड़े चतुर निकले उन्होंने आदेश का पालन किया, पुराने कहते उन्होंने सिर काट दिया। बड़ा निर्णय था कृत्य हुआ, पिताजी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि क्या तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, मर्यादा का पालन किया है, तुम मुझसे पुरस्कार मांगो। तो उन्होंने यही कहा कि मेरी माँ भी जीवित हो जाए, ये जो मेरे भाई है वो भी जीवित हो जाए और किसी को याद न रहे कि मैंने मारा था। परशुराम जी को आशीर्वाद मिला तो परशुराम जी महाराज इतने मानो जिस तरह से ये माना कि पिता की आज्ञा का पालन करना कर्तव्य है, जैसे तो जानते थे कि आज्ञा निर्दय है, आज्ञा कठोर है, पर उन्होंने एक मांग की। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उस युग में जो मर्यादाओं का उनका मापदंड था वो कितना कठोर था, कितना निर्दय था। दूसरा व्यक्ति बड़ा महल में अहिल्या का है, अहिल्या के अगर अपहरण कर लिया सती का इंद्र ने गौतम का वेश बना करके तो वो अनजाने में मूल है, वो सबको ज्ञात नहीं है, पर उन्होंने पत्थरों का शाप दे दिया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक समाज की मर्यादा का ये मान लिया जाए कि जरा भी मर्यादा को कोई उल्लंघन करे तो उसका सिर काट देना चाहिए, अत्यंत कठोर दंड देना चाहिए। तो अगर ये मर्यादा है तो श्रीराम पे तो मर्यादा है, श्रीराम का तो चरित्र से बिल्कुल ही भेद है और इसलिए आप उनके चरित्र में वह जो पक्ष पावेंगे उसका रस ही उसमें रस है और हृदय में एक उन्मुक्तता की अनुभूति है, उनका मर्यादा कारागार नहीं, उनकी मर्यादा कारागार की मर्यादा बंदी की मर्यादा और धन की मर्यादा। अरे आप घर में चुपनी से नहीं बंद करते हैं क्या, क्या ताला भी लगाते हैं क्या, लेकिन यह सब आपके विवेक पर कारागार में तो बंदी कुछ नहीं निर्णय कर सकता, उसे बंद कर दिया गया, उसे बंद रहना है, जैसा आदेश मिले वैसा करें। तो श्री राम के चरित्र की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि उन्होंने समाज को की मर्यादाओं को कारागार बनने ही नहीं और सारे चरित्रों के संदर्भ में ही बात पाई। भगवान श्री राम का परशुराम जी से संवाद, भगवान राम के द्वारा अहिल्या का उद्धार, भगवान श्री राम मानो तो उसको एक नई दृष्टि देते हैं और उस वाटिका में ही इसका अर्थ यह है कि श्रृंगार रस जीवन का एक विशेष रस है और वो रस जो है काव्य में ही नहीं व्यक्ति के जीवन में परिवार का आधार ही तो श्रृंगार और काम की भावना है। वह गोस्वामी जी का सामंजस्य ये है कि वो ये नहीं चाहते, गोस्वामी जी का तात्पर्य है पिताजी ने प्रतिज्ञा कर लिया
उसकी जो धनुष तोड़ेगा उससे मेरी कन्या बाण करेगी। तो क्या इसमें कुछ निश्चय की कमी नहीं है क्या? हमारे जो बड़े जो होंगे द्रौपदी के पिता महाराज द्रुपद ने ये घोषणा कर दिया, उन्होंने मत्स्य भेद के लिए आमंत्रण भेजा और ये कह दिया कि मत्स्य भेद में जो व्यक्ति नीचे दृष्टि रख करके केवल खराब में उस मछली के चित्र को देख करके चलित मछली के नेत्र को बीन लेगा उसको मेरी इच्छा वर्ण मेरी करके। तो द्रुपद के दृष्टि में योग्यता का जो मापदंड है अन्य तो कुछ समर्थ नहीं हुआ पर कर्ण में इतनी योग्यता थी और कर्ण जब आगे बढ़ा तो द्रौपदी तो तेरी स्वभाव के है उस किसी बात को स्वीकार नहीं कर उन्होंने स्पष्ट कह दिया। कर्ण के विषय में लोगों को ज्ञात नहीं था कि वस्तुतः वे किसके पुत्र हैं, एक साक्षी ने उनका पालन किया था इसलिए उसी रूप में देखे जाते थे। तो द्रौपदी ने कह दिया कि मैं दूत पुत्र से कभी नहीं करूं, इस बात को कभी नहीं भूल पाया। इसका अर्थ यह हुआ कि द्रुपद ने जो प्रतिज्ञा किया वह तो उनकी प्रतिज्ञा क्या स्वयंवर हुआ, ये तो पिताजी के संकल्प की पूर्ति हुई, उन्होंने योग्यता का मापदंड बना दिया। द्रौपदी ने विद्रोह कर दिया, अंत में अर्जुन उसमें सफल होते हैं, निवास करते हैं, पर द्रौपदी के द्वारा दिए गए अपमान को कर्ण कभी नहीं भूला। और जिस समय जुए में द्रौपदी हारी उस समय बड़े व्यंग कठोर शब्दों में कर्ण के मुख से जो वाक्य निकले वो कर्ण के चरित्र के अनुकूल तो नहीं है, पर उसको जो चोट पहुंचाई थी द्रौपदी ने वो उसका बताया। उसका अर्थ यह हुआ कि पिता के द्वारा कोई प्रतिज्ञा की गई तो ठीक है, पिता को कन्या का कल्याण ही चाहेगा और कन्या को योग्य बल मिले यही उसकी इच्छा होगी, लेकिन इतना होते हुए भी कभी कभी वो एकांगी होगा। अब गोस्वामी जी की जो लक्षणता है वो थोड़ी स्वाभाविक, उनका अभिप्राय ये कहें कि सीता जी ने धनुष तोड़ने वाले के गले में जय मान डाला तो श्री राम ने थोड़ा तो उनके गले में जय मान डाल, वहां तो रावण भी आया, बाणासुर भी आया, असुर भी आए थे, दैत्य भी आए थे, उनमें भी कोई तोड़ता तो उस नियम के अनुकूल उसके कंठ में भी तो जय मान डालना पड़ता, तभी मर्यादा का और प्रतिज्ञा की पूर्ति मानी जाती है। बस उधर से सीता जी और श्री राम को साक्षात प्रकट परमात्मा है, तो सीता जी तो साक्षात आदिशक्ति है, लेकिन वो स्वामी जी यह बताना चाहते हैं और इसीलिए पुष्पवाटिका प्रसंग का तात्पर्य यह है कि केवल पिताजी की प्रतिज्ञा ही सब कुछ नहीं, उसको बड़ा महत्व है। पिताजी ने तो पुष्पवाटिका में भी पिताजी के प्रतिज्ञा की याद किया और वो ये सोचती भी रही कि मैं पिताजी के प्रतिज्ञा के प्राणी हूँ। तो उसके पहले श्री सीता जी और श्री राम का जो परस्पर अनुराग है तो इसका अभिप्राय है कि अनुराग और मर्यादा परस्पर विरोधी न रहकर के उसको मर्यादा के स्वर्ण मंजूषा में उन्होंने सजा करके रख लिया। भगवान राम और श्री सीता जी कोई वाटिका घूमने नहीं आए थे, ये दोनों ने एक दूसरे को देखा हो, आकृष्ट हो गए हो। प्राचीन काल में गंधर्व विवाह होता था, वर कन्या जहाँ वर्ण कर लेते थे स्वेच्छा से, वो स्वामी जी को पद्धति तो नहीं आने देते, कितना श्रृंगार का सरस वर्ण, कितना श्री राम जिस तरह से गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए जाते हैं। जनक नंदनी सीता माँ की आज्ञा से पार्वती जी का पूजन करने के लिए जाती है और उसके पश्चात क्रमशः एक ऐसी स्थिति आती है कि जिस समय दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ती है, दोनों के हृदय में अनुराग कौन होता है। अब उस अनुराग के संदर्भ में गोस्वामी जी सावधानी क्या करते हैं कि दूसरा आलोचना करे कि तुम मर्यादा के विरुद्ध है,
और श्री राम ने जब अपने हृदय में राग का और श्रृंगार का अनुभव किया तो आपने क्या किया? ये स्वभाव ही वर्णन कर सीता जी के सौंदर्य का प्रभु ने हृदय में वर्णन किया और आपन दशा विचार जो परिवर्तन हुआ है उस पर विचार किया और फिर आपने अपने छोटे भाई से जितने श्री राम के चरित्र का क्या दिव्य पक्ष है कि अगर कोई प्रश्न है तो निर्णायक और जन्म नहीं इससे निर्णय किसको निर्णायक बनाए छोटे भाई छोटा भाई को बोले बोले सूची माना लगा कि लक्ष्मण कैसा पवित्र मन वाला कोई है नहीं और उन्होंने अनुभव किया कि मेरे मन में भले ही कुछ प्रभाव श्रृंगार और राग का हो पर लक्ष्मण पूजो करते हो आपने सुरक्षा बोले सूची मन अब जो सन वचन समय अनुहार क्या कहते कार जनक कलिया यह सोई धनुष जय के यही कारण हो लक्ष्मण यही महाराज सूरज की पुत्री सीता है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा और पूजन गौरी सखी ले आई जो पार्वती जी का पूजन करने के लिए सखियों के साथ आई हुई है तो गर्भ प्रकाश ग्रह प्रभाई सारे सारी वाटिका को प्रकाशित कर रहे ये लक्ष्मण मौन श्रोता है वो कुछ बोलते नहीं और फिर स्पष्ट कह देते हैं जात मिलो अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा लक्ष्मण आज तक मेरे मन में एक क्षण के लिए भी कोई विपरीत भाव किया है कभी मेरे हृदय में कभी क्रोध का उदय हुआ ही नहीं और मैंने यही अनुभव किया था कि मेरे वंश की मर्यादा है परंपरा है और मेरे जीवन में भी एक है कि मैं कभी तीन वस्तुएं दूसरों को नहीं देते किसी की प्रशंसा करे तो मैं कितने दाता है भगवान राम ने अपनी प्रशंसा के लिए ये नहीं कहा मैं देने वालों मगर तीन वस्तुएं मैं नहीं देता मैंने नहीं दिया मेरे वंश में भी यही परंपरा के लवन को कभी पीठ नहीं दिया जाए मैंने कभी पीठ नहीं दिखाई और नहीं पावन भारतीय मन दिया और आज तक किसी परस्पर की ओर कभी मन और नेत्र नहीं गया और दूसरा मांगने वाले को एक वक्त मैं नहीं देता क्या मंगल और नारायण जिनके नाम मांगने वाले को जहां ना ही नहीं दिया जाता कि नहीं नहीं देगा तो बे नर्भर थोड़े दिन भाई ऐसे व्यक्ति जिनमें ये तीन बातें उत्कृष्ट है लेकिन लक्ष्मण आज मैं अपने में बदलाव पा रहा हूं जनक रजनी की सुंदरता को देख करके मेरे हृदय में जो क्रोध का उदय हुआ है मैं समझ नहीं पाता हूं सही है कि नहीं सही मानो क्या मेरा कार्य मर्यादा के विरुद्ध तो नहीं है और तुम बता तुम निर्णय दे सकते हो तुम कर सकते हो कि नहीं तो आपका एक कार्य तो उचित नहीं पर लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी है ऐसे जो हो गए मानो उनको लगा जब इस भूमिका में नायक मैं बन जाऊंगा तो सिद्धता की पराकाष्ठा होगी और वो दोनों के दिव्य रूप को जानकर आगे दिए लक्ष्मण जी को और मन थोड़ा दूसरा अर्थ में ले रहे आपको चिंता हो गई कि परिस्थिति की ओर मेरी दृष्टि नहीं गई और आज लीला में आप क्या कर रहे हैं जिनकी ओर दृष्टि जा रही है क्या वो परिस्थिति है क्या वो जो अनादिकाल से आपकी प्रिया है अनादिकाल से आपकी संगिनी है उनको देखने के बाद भी आपको ये भय हो जा रहा कि कहीं मेरी दृष्टि में कमी तो नहीं आ गई पर बोले बिल्कुल नहीं चुप अब ये लक्ष्मण जी के चरित्र की विशेषता ही है कि पूरे प्रसंग में एक शब्द नहीं श्री राम बोलते रहे श्री राम कहते रहे और जब वो बोले नहीं तो फिर भगवान राम जहां के कहा क्या गौतम जी ने कहा कर तो बस कही अंत सन मन की अनुप लुभा मर्यादा एक और जो बुद्धि को उत्प्रेरित करती है और दूसरी ओर गौतम जी के मुख सरोज मकरंद छवि तरक मधुप्रयोग जैसे भावना समझ का रस ले रहा हूं
उस प्रकार से प्रभु का जो मरम मर जो भ्रमय है वो जगत नंदनी सीता के सौंदर्य रस का पर उसमें सावधानी ली कि एक और वो मर्यादा बहिरंग रूप से तब नष्ट हो जाती जब सीता जी श्री राम से बातचीत करती श्री राम सीता जी से बात एक दूसरे से प्रेम का निवेदन करते दोनों में परस्पर अनुराग की पराकाष्ठा पर मर्यादा के पक्ष था मानो हृदय प्रेम और व्यवहार में मर्यादा दोनों का समझ अगर बाहर मर्यादा टूट जाए तो वो एक समाज के लिए दुखदायी होता है पर भीतर का हृदय तो भावराज्य है और इसीलिए वो स्वामी जी दोनों का जो समापन करते हैं सीता जी जा रहे हैं भगवान राम ने देखो क्या किया प्रभु जब जानकी जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी तो आपने सोचा कि ये तो जनक नंदी जा रहे हैं तो चलो उनका एक चित्र तो बना करके रख लो उन्होंने एक चित्र बनाया वहां कोई कागज या कोई रंग या कोई ऊंची तो नहीं थी किस रंग से किस ऊंची से वो चित्र कहां बनाया गया तो स्वामी जी क्या भाव गुण सब लेते हैं परम प्रेममय मृदु मत की ही प्रेम की चाहिए परम प्रेम में मृदुमत की नहीं चित्र कहां बनाया गया बोले चार चित्त खेती लिखी अपने हृदय की दीवार पर प्रभु ने जगत नंदनी सीता का चित्र जो है वो बना दिया और उसके पश्चात हृदय कराहत दोहराई गुरु समीप दोनों दो भाई हृदय से सौंदर्य की सराहना करते हुए गुरुदेव को बताया पर मर्यादा की पराकाष्ठा भी है वहां जैसे जमदग्नि जी को पूछना पड़ा था देर तो हो गई गुरु जी ने नहीं पूछा बहुत देर से कैसे आए देर तो ही गई थी तो समझे राम कहा सब कौशिक पाए वो जो हुआ था सब गुरु जी से बता दिया सुना मुस्कुराए और आपने कहा कि राम फूल के बाद फल का लगना ही कितनी दाल करता है तो फूल तो तुम लेकर के आओ फल मैं दे देता हूँ क्या बोले सुफल मनोरथ मोहन तुम्हारे राम लखन सुन तुम्हारे मनो एक ऐसी पद्धति कि जिसमें मर्यादा होते हुए भी रस है आनंद है और जगत नंदनी सीता वहां से भी प्रार्थना करने के लिए पार्वती जी के मंदिर में जाती है उनसे निवेदन करती है कि आप तो सबके हृदय में निवास करते हैं आप मेरे हृदय की भावना को जानते हैं और मेरे आशीर्वाद प्राप्त होता है तो इस तरह से मानो गोस्वामी जी की दृष्टि में यह सत्य है कि मर्यादा के अतिरेक का पुराणों में इतना दृष्टांत है इतने शाप इतने दंड इतने प्रकार से वर्णन आता है कि लगता है कि व्यक्ति जरा भी किसी कार्य में छूटा तो कठोर दंड दिया है ये सर्वत्र जो है यही किया और इसीलिए परशुराम जी और भगवान राम के चरित्र का पक्ष क्या माना यह जाता था कि क्षत्रिय को चाहिए तो युद्ध के लिए कोई उसको ललकारे तो वो पीछे नहीं है वो युद्ध करे तो परशुराम जी ने वार्तालाप में श्री राम से कहा तुम क्षत्रिय हो और जानते हो कि मैं क्षत्रियों का द्रव्य हूं तो तुमने एक ऐसा अपराध किया है कि तुम युद्ध करो परितोष मौर्य संग्रामा नाही छाण पहाओ ग्रामा दो राम नहीं रह सकते राम तो एक ही हो एक है परशुराम और एक है राम दोनों ही राम दोनों ही अवतार है दोनों ही ईश्वर के अंश लेकिन बस अंतर यही है भगवान राम जी तो ध्वज बाण धारण करते हैं पर राम जी के हाथ में शस्त्र है तो क्या भगवान राम के हाथ में शस्त्र नहीं वो भरत धारण करते हैं ध्वज धारण करते हैं अगर उनका नाम भरत राम हुआ तो इनका नाम धनुष राम होना चाहिए और कभी किसी ने उनको धनुष राम कहे नहीं कही अंतर का अर्थ है कि भरत राम जी मानते हैं कि सबसे बड़ी वस्तु का देख लो सावधान कर देते
बार बार कह देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं जब वो बातचीत भी कर रहे थे, लक्ष्मण जी की बात को सुन के लगा ये बच्चा लड़का होगा अमर्यादित थे। कहने लगे कि बालक काल में पर बातचीत के क्रम में जब देखा कि लक्ष्मण जी डर नहीं रहे तो उन्होंने सोचा कि शायद इसने मेरे मुझे ही देखा है, मेरे पत्ते को नहीं देखा। वो समझे बहुत मनोवैज्ञानिक है, सोचा कि ऐसे तो देखेगा नहीं, मैं इससे उठा के देखूंगा तो मुझे ही देखा। वो समझे ने तुरंत दिया, बोले कि भाई परस की ओर बात कर रहे हैं सामने और परस की ओर दे रहे रे तक परस विलोक मही कुमार मेरे परस को देखो तब उसे बात करो। मानो उनकी ये धारणा श्री राम के पहले परस जुड़ गया, जिसका अर्थ है उसको यह विश्वास है कि समाज में मर्यादा के लिए जब तक कठोर से कठोर दंड नहीं दिया जाए, अपराध करने वाला ही नहीं अपराध को सच्चा दंड वाले का भी सर नहीं काटा जाए तब तक समाज में न्याय नहीं हो, ये मर्यादा है। जिससे उनको परस श्री राम के साथ जो है परस तो जुड़ी थी, एक ही शब्द और जुड़ा और वो भी पहले नहीं जुड़ा बात नहीं, लेकिन राम के से पहले परस और फिर राम, और ये राम उनके साथ दूसरा सपन गया रामचंद्र, रामचंद्र मुकुचंद्र चंद्र, और मानो संकेत यही था राम है सूर्य वंश में, पर सूर्य के समान प्रकाश होते हुए भी चंद्रमा के समान जिसमें शीतलता है वही राम। राम का जो सत्य है वह अगर सूर्य के समान है तो राम का शील चंद्रमा के समान है, और यही सामंजस्य दोनों में भेद है। और पूरे प्रसंग में श्री राम अगर उस मर्यादा को मानते होते तब तो शस्त्र उठा के लड़ी पड़े, ठीक है आप मुझे चुनौती दे रहे हैं तो मैं तो नहीं पीछे हटू, और मर्यादा का अर्थ यह है कि शस्त्र से ही नहीं लड़ जाते, सामने वाले की कठोरता को जीतने के लिए कठोर बनने की आवश्यकता नहीं, विनम्रता से भी तो कठोरता पर विजय पाई जा सकती, कौन विजयी हुआ परशुराम जी किसी राम, परशुराम जी तो इतने प्रभावित हुए कि उनके मुंह से एक शब्द तो निकला कि धन्यवाद क्या विनय शील करुणा गुण सागर जय जल जनागर, तुम विनय शील और करुणा के साक्षात रूप हो और वचन रचना में कितने कुशल हो, तुम्हारे वचनों में कितनी गहराई है वो तो बहुत सोचने पर पता चलता है कि तुम क्या कह रहे जी। उन्होंने सत्संग में प्रश्न पूछा कि तुम डरते हो कि नहीं डरते, तो परशुराम जी से तो सभी डरते थे, भगवान राम जी से पूछा कि तुम डरते हो कि नहीं डरते, तो उन्होंने कहा महाराज वैसे तो रघुवंश की परंपरा है लेकिन दूर और वैसे तो हमारे धर्म के अनुकूल भी यही है, क्या भगवान राम ने कहा कहो उसको आव न कुलही प्रसन्नती कालम कहीं न रटे उपन, रघुवंश में जन्म लेने वाला व्यक्ति काल से भी नहीं डरता, मैं आज से नहीं डरता लेकिन आपसे डरता हूं, लेकिन क्यों डरते बड़े जतराई से हृदय से नहीं विप्रवंश की असफलता है जो तुम्हें डरा रही है, मैं काल से निडर इसीलिए हूँ कि आप जैसे महापुरुषों से डरता हूँ। मानो श्री राम की वचन रचना में जो विनम्रता है जो झील है अब तो बिना लेकिन की थी, परशुराम जी जब अपना धनुष उन्हें सौंप करके चले जाते हैं तो मानो श्री राम ने एक नई मर्यादा, अभी कोई कहे कि शक्ति है तो आज शक्ति धर्म पालन तभी होगा जब किसी से लड़ रहे अब शक्ति महोदय रास्ते में चलते फिर सोचे कि अगर किसी से लड़े नहीं तो हम शक्ति धर्म का बंद नहीं कर रहे, और श्री राम मानते हैं कि नहीं नहीं लड़ना धर्म है, अगर अन्याय के विरुद्ध लड़ने की चुनौती हो तो
क्यों कोई पहले की लड़क हम लड़ने लगेंगे? श्री राम के चरित्र का यही जो लक्षण पक्ष है वो बदल गया, छत्र की परिभाषा बदल गई। परशुराम जी महाराज विनम्र भाव से धर्म सौंप करके वन में तपस्या करने के लिए चले गए। श्री राम ने एक बार भी नहीं कहा कि आप ब्राह्मण है, आपको तपस्या करना चाहिए, आपको इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। बार बार बड़े मधुर शैली में कह देते हैं कि बच्चा तो आपके वेश को देख करके बंद पड़ गया। इस तरह से मानो श्री राम के चरित्र का उज्ज्वल पक्ष ये है कि वो समाज को कानून के द्वारा नहीं, दंड के द्वारा नहीं, किसी बाध्यता के द्वारा नहीं, सर्वत्र जो भिन्न है उसे परशुराम जी महाराज को हरा के अपनी बात नहीं रखना, परशुराम जी इसका आशीर्वाद पा रहा है। परशुराम जी को लगे कि हाँ यह उपयुक्त व्यक्ति है, यही श्री राम के चरित्र का पक्ष सर्वत्र आपको दृष्टिगोचर होगा। बड़े भाई को राज्य देने की परंपरा थी, बड़े भाई को राज्य देने की परंपरा दयानी कितने काल से चल रही, किसी के मन में यह नहीं आया कि ठीक नहीं करते ही मानक कि हम तो बड़े भाई हैं तो राज्य सिंहासन पर बैठना तो धर्म और मर्यादा है। पर श्री राम और वशिष्ठ ने कहा कि राम तुम्हारे पिता तुम्हें राज पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं। अब श्री राम की विशेषता है कि श्री राम मर्यादा का सम्मान कितना करते हैं, मानते हैं, बदलते हैं, सम्मान कितना करते हैं से एक बार नहीं। गुरु जी कहते रहे कि तुम्हें आज नियम से रहना है, कल तुम्हें सिंहासन पर बैठना है, श्री राम अब उनकी लक्षणता उनकी शैली की जो है बोले जी तो चले गए पर गुरु सिख देंगे राम उत्पन्न गए राम हृदय अति विस्मय है राम के हृदय में आश्चर्य हुआ और वे आत्मचिंतन कर रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं और सोच रहे हैं। गुरु जी ने ये कहा कि गुरु वंश की यह परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र को राज्य मिलता है पर यह परंपरा तो बिल्कुल संचित है, अन्याय हुआ। पर गुरु जी से बात नहीं बोल गुरु जी से उन्होंने कहा कि आप कहते हो ठीक है, यह नहीं उचित है। अकेले में प्रभु सोचते हैं कि क्या हुआ, ये परंपरा क्या, ये क्या मर्यादा हुआ। जननी एक संग सब भाई भोजन शयन के हम चारों भाई एक साथ उत्पन्न हुए, साथ में सोए, साथ में भोजन किया, साथ में खेले, साथ में विवाह भी हो गया। तो ये क्या हुआ कि सब कुछ साथ में हुआ, सर विमल बंध से यह अनुचित एक बंधु विहार पड़े इस पूरे विश्व में अगर कोई अनुचित नियम है तो यह नियम है कि छोटे को छोड़ करके बड़े को राजा बनाया। मानो श्री राम को लगते मर्यादा की हम लोगों को तो वह मर्यादा अच्छी लगती है तो हमें स्वार्थ सिद्ध करने वाली और मर्यादाओं को माने चाहे न माने पर जिस मर्यादा से हमको लाभ होता हो मर्यादा हम मर्यादा के रूप में हम चाहते हैं कि दूसरे माने। जब मेरी बहुत थोड़ी अवस्था थी तो मैं वृद्ध सज्जन मुझसे कहने लगे कि कथा तो बड़ी अच्छी कहते हैं चलिए मेरे घर में आप प्रभु सुनाइए। गया मैंने पूछा किस प्रसंग को सुनना चाहते हैं, उनका बस वही दोहा सुना दीजिए कि अनुचित उचित विचार करी ये पालन पितु बहन ते आजन सुख द्वेष के वसन अमर प्रो है। अनुचित और उचित का विचार छोड़ करके जो पिता की आज्ञा मानता है वो स्वर्ग में जाता है, कीर्ति मिलती है। जैसा हुआ मैंने सड़कों दी पर निकलने पर रात से उनके लड़के ने को मैं वृद्ध से लड़के गई और लड़के भी बहुत बड़ी अवस्था है। उन्होंने कहा आपको पता है ये प्रसंग में इन्होंने क्यों कहलवाया, राम नाम की महिमा आपसे नहीं कहलवाई, भक्ति की महिमा नहीं कहलवाई। तो भाई मैं तो नहीं जानता, कहने लगे कि हमारे माँ की मृत्यु तो कई वर्ष पहले हो गई और बहुओं से इनका होता रहता है झगड़ा, करना चाहते हैं विवाह
पर हम लोग विरोध करते हैं तो उन्होंने आपसे इसलिए करवाया है कि जिससे लड़के ये मान करके कि मर्यादा यही है ये उचित संस्कृत विचार छोड़कर पिता की बात मान ले। मानो मर्यादा शब्द का उच्चारण ही हम लोग तब करते हैं जब हमारे स्वास्थ्य के पर जहां स्वास्थ्य है उसके बिल्कुल और केवल वाणी से नहीं भाषा में तो बहुत से लोगों की बात कर देते। जब सचमुच दूसरे दिन पता चला कि राज्य को भरत को दिया जाएगा तब परीक्षा हुई इतने प्रसन्न हो गए तब लगा कि श्याम कितने प्रसन्न हो गए कि अच्छा हुआ गुरु जी की बात काटनी नहीं पड़ी खंडन करना नहीं पड़ा। अपने आप को मैं चाहता था वो बात पूरी इसलिए इतने प्रसन्न हुए कैकेयी जी की बात सुन करके आपसे अमर मुस्काई आनकुल भानू राम भज आनंद निधानू तुम्ही सुनु जननी। अब अंतर यही है कैकेयी ने भी भूमिका में यही सत्य है जब श्री राम आए और पिताजी को देखा कि वो बड़े मूर्छित दशा में पड़े हुए हैं तो आपने मां से पूछा कि पिताजी ने प्रणाम करने पर भी आशीर्वाद नहीं दिया। नहीं बोले तो लगता है कोई बहुत बड़ा अपराध सभी पिताजी जो है मुझसे बोल कैकेयी की बात सुनिए। कैकेयी जी ने कहा तुम अपराध योग नहीं खाता अरे राम तुम कभी अपराध कर सकते अब ये प्रशंसा आप सोचिए इसके पीछे कितनी बड़ी कूटनीति है। तो अपराध योग नहीं खाता और बना सब जननी जनक बंधु सुख रख तुम तो माँ को पिता को भाइयों को सुख दे जाए भूमिका थी बन चले जाओगे तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा पिताजी का सच भी बचेगा और तुम्हारे छोटे भाई को भी सुख मिलेगा तुमको यही ये जो स्वार्थपूर्ण प्रशंसा है जिसके मूल में केवल अपने स्वार्थ का समर्थन करना है बोले और वो सभी जी ने कहा माँ की बातें ज्ञान को कैसे लगी लगा क्या कि अरे तो बड़ी चाणाकी से बोल रही वो स्वामी ने श्री राम ने उन बातों को सुन करके क्या आरोप राम ही माँ वचन सब भाग जीव सुर सारी गत सरल स्वाद जैसे गंगा जल कोई भी जल आके गिर जाए वो तो गंगा गंगा जल बना देती है प्रभु सोचते हैं माँ कितना चक है माँ कितनी उदार है माँ कितने के बाल है। मानो इस तरह से भगवान श्री राम जो है उन सारी मर्यादाओं को बदलते हैं पर बिना विघन किए बिना विरोध किए बिना दूसरों को असन्मानित किए यही श्री राम की सबसे महान लीला है ये विजय और यही शील तत्व पूरे चरित्र में हुआ। वो स्वामी जी ने तो गुरु जी से लड़ते में ही श्री राम कथा सुनी श्री राम के शील सुने थे राम के गुण सुने थे श्री राम का चरित्र सुना था और जब सुनने का फल तो यही है कि सुनने वाले के मन पर थोड़ी छाप थोड़ी झलक तो आ गई। तो गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी और वो एक उनकी महान सफलता का रहस्य भी है। कितनी सफलता का जो उनके जीवन में उनके चरित्र में जो महान सफलता है चाहे कोई समस्या हो श्री राम कभी भी आपको पक्ष मिलेगा नहीं। निषाद को हृदय से लगाते समय उन्होंने कोई जाति परंपरा पर भाषण नहीं हृदय मैंने नहीं किया लेकिन स्वयं अपना ही उनका ऐसा दर्शन है चरित्र है कि श्री राम जिस तरह से समाज को परिवर्तित करते हैं बदलते हैं वह तो उनके शील की विजय है उनके उस अद्भुत गुण की विजय है जहाँ वे प्रत्येक को सम्मान देते हैं प्रत्येक को महत्व देते हैं प्रत्येक से कहते हैं कि नहीं नहीं आपको हमारे लिए आवश्यक है। हम लोग किसी से नाराज होते हैं तो कहें चले जाओ तुम्हारे बड़े काम नहीं चलेगा क्या पर श्री राम सबसे कहते हैं नहीं भाई तुम्हारे बिना हमारे काम कर सकते केवल कहता है बात करना है तो मेरी बातें मानिए और मानिए तभी मैं उतारूंगा। राम कह सकते हैं अरे तुम मुझे जानते नहीं हो मैं तीन पद में ब्रह्मांड को नापने वाला हूँ तो मुझे दिखा रहे हो कि हम बाहर नहीं पाए। श्री राम तो श्री राम
केवल ये कहता है कि उसने कहा कि आप इस ब्रह्म में भी तो पढ़िएगा कि मैं शरण धोने के लिए बोल दीजिए तो कोई भगत लोग होंगे आपके, महाराज पिता तो मुझे अपने नाव की है, आपके नाव में पर चरण में कोई दबा जो पत्थर को नारी बना देती है, अब मेरे नाव को भी कहीं आप नारी बना देंगे तो महाराज मैं तो गया। एक नारी और बच्चों का ही बोझ नहीं उठा पा रहा, घर नहीं घर क्यों समझाई हो जू मानो जन्य भी कर दिया कि महाराज आपने कहीं नाव को स्त्री बना दिया और ले करके मैं घर में गया तो पत्नी को कैसे समझाऊंगा, मानो जन्य था कि आपके पिताजी अगर समझा पाते तो आपको करते ही उठाना पड़ता, जब इतने बड़े राजा नहीं समझा पाए तो मैं कैसे समझाऊंगा। तुलसी और अमन अन पशु लड़िका के भांति जाई हो जू बल मारिए तीर बिना पग धोए तो नाव न ना चढ़ाई हो जू। कहा किसी ने लगता है नाव तू बहाने बना बहाने कुछ नहीं आधे अंकित क्या जड़ भी नहीं दुराना पड़े आपको बाहर जाने के लिए उपाय मैं बता देता हूँ और उपाय ही नहीं बता देता हूँ तो मैं स्वयं भी साथ में चलू। कविता जी रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं केवट में का यही घाट बड़ा जी तो घाट है, यह घाट पर मैं नाव चलाता हूँ अपनी इच्छा के अनुकूल ही सवारियों से उतराई लेता हूँ, पर यहाँ घाट से थोड़ी दूर पर नदी में ऐसी जगह है जहाँ पर पानी बहुत पड़ा केवल कमर तक मैं चलू, इन घाट से थोड़ी दूरी है कटिलो जल थाल दिखाई हो जू पर से पगल दूर तरी धरनी करनी घर को समझाई हो जू। मैं केवट को डर नहीं लगा कहे कि अच्छा से दम कर चल जाए या श्री राम प्रकट कर दे, केवट ने जो दावा किया था कहे तुम्हारा मरम में जाना सबको जानता था, जब उसने कहा कि घाट पर तो मेरी बात माननी पड़ेगी घाट छोड़ दीजिए तो उसे मर्म ज्ञात था कि जो घाट बनाने आया है आज जो घाट कभी नहीं छोड़ेगा, उसका आचरण ही ऐसा ही होता, ये नहीं कि मैं कहूं नहीं तुम कह रहे हो ऐसे तुम कहोगे मैं तुम्हारी बात मान, तुम अगर कहते हो कि जल हुए फिर हुए बिना तुम मुझे नाव पर नहीं बैठाओगे तो मैं सब अनुरोध करता हूँ कि वेग आन जल पाए पखा दू और तो विलंब उतारे ही पानी, इस तरह से समाज के न किसी को हीन सिद्ध करते हैं न खंडन करते हैं न विरोध करते हैं, अब तो सबको आप ऐसी दिशा देना चाहते हैं और यहाँ तक कि रावण से भी जब वो संधि का प्रस्ताव भेजते हैं तो रावण ने उसे अच्छे वीरता का चिन्ह नहीं माना, रावण ने कहा संधि की चिंता तो दुर्बल चलता है सबल नहीं करता, और अगर तुम्हारा स्वामी सचमुच इतना बलवान होता तो वशिष्ठ पठवते के ही खाजा रिपुतन प्रीत करत नहीं लाया, शत्रु से प्रेम किया जाता शत्रु के पास संधि का प्रस्ताव भेजा है तुम्हारा स्वामी कुछ नहीं है डरपोक है इसीलिए ऐसा कह रहा, श्री राम के श्री को श्री राम की महानता को उनकी कायरता के रूप में देखा है, पर श्री राम तो श्री राम है, युद्ध में भी रावण अगर जारी करने लगा तो भगवान के मुंह से यही शब्द निकला जल जल बना कर सूरस नासम नीत स्नौ करम क्षमा, आप जो बोल रहे हैं उससे आपका स्मृत हो रहा है और आप क्षमा करके मेरे कारण मैं नीच बात की तरह उसे तो सुनिए, रावण ने कुछ नहीं केवल क्षमा शब्द समझ लिया, अच्छा अब डर के मारे मुझसे क्षमा मांग लो, पहले नहीं सोचा राम वचन सुन जैसा मोई सिखावत ज्ञान पैर करत नहीं सब डरे अब लागत प्रिय समय, जब युद्ध करने आए थे तब नहीं है तुम नहीं तुमने विचार किया अब प्राण प्रिय है और परमाणु सक्रिय है, कि परिवर्तन की एक प्रक्रिया है कि आप बलात् किसी पर चाहे कानून के द्वारा चाहे दंड के द्वारा चाहे और किसी प्रकार से कोई बात ना, और एक यह है कि जहां पर सहज रूप से हृदय से परिवर्तित करने की चेष्टा की और यही शीर का मुख्य गुण है और ये श्री राम के चरित्र में विद्यमान है, वह स्वामी जी को जो सबसे
भक्त भाग गई श्री राम की कथा सुनते सुनते गुरु जी ने सुनाना प्रारंभ किया। स्वामी जी कहते मैं छोटा था, गुरु जी सुनाते थे तो पूरा से समझ नहीं पाता, पर मेरे गुरु जी इतने दयालु थे कि तरह पिछड़ी गुरु बार ही बार गुरु जी फिर सुनो फिर सुनो फिर सुनो और समझ पड़ी कछु मत अनुसार थोड़ी बुद्धि से जितना मैं समझ सका। तो वो जो श्री राम गोस्वामी जी के है उनकी चिंतन का पक्षी है, श्री राम को उन्होंने स्थापित किया उसका मुख्य पक्ष ये है। सारे मतों का वो कहीं विरोध नहीं करती, उनका ठीक है जो जिसके लिए किसी ने कोई बात की तो उन्होंने कभी नहीं कहा था प्रीति प्रतीति जहां थकी और कहने के साथ साथ अपनी बात भी धीरे से कह देते हैं कि भाई जी, और सब चीज कहने के बाद खंडन भी करते हैं, पर खंडन इतना मधुर और जब वो करते उनके धर्म की विशेषता है कि वो जब भी कोई खंडन होगा तो गोस्वामी जी अपनी ओर से नहीं बोले, अगर कोई कठोर भाषा है तो शंकर जी बोल सकते हैं, पर स्वयं तुलसीदास को बिल्कुल ऐसे व्यक्ति के रूप में इसी याद नहीं। भगवान शंकर की श्रोता पार्वती कुसुम जी के श्रोता गरुड़ याजवल के श्रोता भरद्वाज तुलसीदास जी का श्रोता कौन, उन्होंने जो श्रोता बनाया वो किसी को नहीं बनाया अपने मन को बनाया। सब जगह अरे मन को सुन, किसी ने कहा है अरे मन को सुन ये क्यों कहते हैं, उनका मेरे मन नहीं बदला तो दूसरों को क्या सुनाऊं, हम तो अपने ही मन को सुनाते रहते हैं कि भाई तुम सुनो बार बार डराते हैं मन को, धन स्मरण लेकर के लेकर के तुम्हें श्री राम जा रहे हैं कितनी बड़ी विनम्रता, वो श्रोताओं से कुछ नहीं कहते, श्रोताओं से कोई निवेदन नहीं करते, वो तो ये कहते हैं कि हाँ। और जब पूछा गया कि आपने शायद समाज का कल्याण करने के लिए गांव की भाषा में उसमें हिंदी शब्द तो प्रचलित नहीं था, रामायण में हिंदी शब्द ऐसे नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी प्रचलित भाषा में उन्होंने लिखा तो कह सकते थे कि नहीं लोग कल्याण के लिए, आजकल तो जितने लोग कार्य करते हैं सब लोग कल्याण के लिए करते हैं, अपने लिए कोई कुछ करते ही नहीं, तो गोस्वामी जी कह सकते थे कि भाई समाज के लिए मैंने बोधगम्य बनाने के लिए समाज के प्रचार के लिए मैंने उसको भाषा बनाया, गोस्वामी जी कहते गुरु जी ने सुनाया समझ में नहीं आया, तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने कहा इसको मैं भाषा में लिख डाली, अच्छा बहुत अच्छा किया समाज का कल्याण कर दिया, बोले तो भाई समाज की बात नहीं कर सकता मेरे मन को प्रबोध मिले इसलिए मैंने बनाया। और रामायण ग्रंथों में क्या लिखते हैं वो कह देते हैं फिर याद दिला देते हैं इस रामायण में क्या क्या है, बोले उन्होंने कहा सब कुछ है इसमें, क्या नहीं है ज्ञान है मेरा क्या भक्ति है, तो सब कुछ कहने के बाद महाराज आपने समाज को कितनी बड़ी वस्तु दे दिया, तो कुछ नहीं दिया क्यों किया है, हमारे हृदय में जो अंधकार है उसको मिटा दिया, अपने हृदय को बदलने के लिए अपने हृदय को सुख देने के लिए मानो वह जो उनकी विनम्रता है वो कभी ये दावा नहीं करते कि कोई वस्तु मैंने लोक कल्याण के लिए समाज के कल्याण के लिए, बस केवल बार बार ये कहते हैं दावा करने वाले भी है
ये दावा करते हैं जो मैं कह रहा हूँ यही है। दूसरी राजनीति से पूछा गया, आप बताइए आपके समझ से जीवन का फल क्या है, क्या लिखा उन्होंने, आप कविता भी रामायण पढ़ेंगे तो मिलेगा। वो कहते हैं कि राम सुन अनाथ अन विलोचन मीनन को जले, राम की सुंदरता मानो अनाथ जले और हमारी आंखों को ऐसा लगता है उस पर मछली बन जाना चाहिए। स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जले है कांता पुरस्कृत राम कथा, कान से राम की कथा और मुख राम को नाम, मुख में राम का नाम, कांजलि की कथा, मत रामन गति रामन रत्य राम तो रामन को बल है। ये बात आप दादे से कह सकते हैं, सब की न कहे तुलसी के मध्य इतने जगह जीवन को खाए। मैं ऐसे तुम दाने से हाँ जो मुझे लग रहा है, मुझे जो अनुभव हो रहा है, मैं सोच करता हूँ कि जीवन का फल ये। इसीलिए जब राम नाम की महिमा उन्होंने कही, उन्होंने कहा देखा भगवान सब नहीं है और उनकी महिमा तो है ही, लेकिन पढ़ करके बड़ी समस्या ये लग रही थी, ये मार्ग ठीक, ये मार्ग ठीक, ये मार्ग ज्ञान की धर्म की भक्ति के योग या कोई अन्य मार्ग। और तब मेरे गुरु जी बड़े उदास, जब मैंने उनसे पूछा कि गुरु जी सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है, तो उन्होंने कहा बहुमत बहुपथ पंथ पुराण, यहाँ स्थान घरों को गुरु कहो राम भजन नीको, मुझे लगत राज करो बस राम नाम लिया कर, यही राजमार्ग है, इसमें कोई किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी प्रकार का जुल्म नहीं है। और उस राम नाम को गोस्वामी जी ने ऐसा पकड़ा और वो राम नाम की महिमा का उन्होंने जो अनुभव किया और उस अनुभव का जो उन्होंने वर्णन किया है, राम नाम की महिमा के प्रसंग को आप पढ़िए, उसमें आपको लगेगा कि राम नाम की महिमा का उन्होंने अनुभव करते हुए बार बार यही कहा प्रत्येक जीवों में भगवान का नाम कल्याणकारी है। लेकिन नाम राम को कल्प कर कई कल्याण निवास, श्री राम का नाम कल्प करो। भारतीय शास्त्र में लिखा है, लिखा तो बहुत है, नाम राम को कल्प करो कई कल्याण निवास, जिसकी ओर देखें अपने क्या दिखाते हैं, जो भांग के समान उनका संकेत किसी और था, जिसकी चर्चा अगले किसी दिन होगी। उसका अभिप्राय है कि भांग जैसे नशा उत्पन्न करने वाली, जैसे वो निषिद्ध उसी प्रकार का यह तुलसी दास कहलाने वाला व्यक्ति जो कुछ हुआ वो राम के नाम के प्रभाव। मैंने रामायण में कहा कि गिरती मग गिरती जब बन हास बन में हजार प्रकार की घास हो, तुलसीदास भी उसी प्रकार से घास को रोकते हुए चलते हैं। लोगों ने अपमान किया तो कोई अच्छे अपने घास है उसका कोई बचाता बचा के चले, घास का तो पैर रख के चलेगा। लोगों ने उन्हें घास की तरह अगर अपमान किया तो ठीक ही था, लेकिन आज बल्कि ही गिनती गिनती जैसे बड़े घास, अरे राम भजत रहे तुलसी तुलसीदास। ये जो तुलसीदास तो राम नाम के प्रभाव से तुलसी भी घास ही वैसे देखे तो है, पर उसके बिना भोग नहीं रखता। इस तरह से उस कवि ने अपने ग्रंथ के माध्यम से जो अंतःकरण के संतोष के लिए सुना, जो अनुभव किया, वही हम लोगों के लिए प्रस्तुत किया। ऐसा दिव्य संतोष की इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। आज बोलिए श्री राम।